स्टूडेंट आई एम अरविंद मिश्रा नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक सो लेट्स बिगिन नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर द फर्स्ट वर्ड इज हंट्समैन हंट्समैन का मतलब होगा शिकारी वह व्यक्ति जो शिकार करता है उसको हंट्समैन कहते हैं स्काई लार्क एक छोटी सी चिड़िया जो गाती है जिसके मधुर आवाज होते हैं उसको स्काईलार्क कहते हैं बोवर बोवर लता मंडप यानी पेड़ के डाली के नीचे की जो छायादार जगह होती है उसको बोवर कहते हैं ड्रेयरी निराशाजनक मेलो मतलब सुहावना होता है डिसी मतलब बेचैनी नाउ वी विल नो अबाउट द पोएट ऑफ दिस चैप्टर विलियम ब्लेक आइए हम लोग विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं इनकी जीवन अवधि 1757 से 1827 यानी जन्म 1757 में हुआ और इनकी मृत्यु 1827 में हुई थी ये एक महान एक मशहूर पोएट कवि पेंटर और इंग्रेवर यानी कलाकृति करने वाले थे अलग अलग प्रकार के नक्काशियां करते थे पत्थरों पे आकार बनाने इन्होंने अलग अलग प्रकार के तानाशाहों के खिलाफ लिखा है इनकी पेंटिंग और पोएट्री को रोमांटिक मोमेंट से जोड़ा जाता है और उसे प्री रोमांटिक कहा जाता है शुरुआती रोमांटिक एज के शुरुआती समय के का कहा जाता है उनके कुछ मशहूर कविता हैं टू ऑटम द टाइगर और द गार्डन ऑफ लव स्टूडेंट्स यह पोएम एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे गर्मी के दिनों में सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना पसंद नहीं है कवि उसे एक ऐसे फूल की से कंपेयर करता है जिसे जब खिलना चाहिए तो वो मुरझा जाता है तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हुए उसको समझने का प्रयास करते हैं। I love to write on a summer morn when birds are singing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outward, the little ones spend the day in sighing and dismay. मैं सुबह गर्मी के दिनों में जगना पसंद करता हूँ जब चिड़िया प्रत्येक पेड़ों पर गाती है दूर स्थित कोई शिकारी इधर उधर घूमते हैं और स्काईलार्क नाम की चिड़िया गाती है ओह यह कितना प्यारा साथ है लेकिन जब गर्मी के दिन में सुबह में स्कूल जाना होता है तो उस लड़के का सारा खुशियां समाप्त हो जाती है उसके सारे आनंद समाप्त हो जाते हैं क्रूर आंख उसे घूरती है स्कूल जाने को और वह छोटे बच्चे उसके साथ ही पूरा दिन स्कूल में ऊँघते हुए और उदासी में बिताते हैं आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट एंड आई स्पेंड मेनी एंड एन एक्सेस आवर नॉट इन माय बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉट सिट इन लर्निंग्स वर्क Born through with the dreary shower, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? तो आगे की पैराग्राफ में विलियम ब्लेक बता रहे हैं कि जो बच्चा है वह उदास उस समय स्कूल में अपने बेंच पर बैठ जाता है और कई घंटे बेचैनी में गुजारता है ना ही उसे अपने किताब में खुशियां मिलती है और ना ही उसे पढ़ने में मजा आता है
वह शिक्षक के लेक्चर्स को सुनता रहता है जिसमें उसे कोई आनंद नहीं आता। फिर वह आगे की लाइन में इस पोएम का नैरेटर जो कि एक छोटा बच्चा है वो कहता है, कैसे एक चिड़िया जो कि जन्म ली है खुशियों के लिए एक पिंजरे में रहकर गा सकती है, कैसे एक बच्चा जो किसी के नाराजगी से डरता है, किसी के गुस्सा होने से डरता है, वह कैसे अपने कोमल पंखों को फैलाकर उड़ सकता है, कैसे वह अपने जवानी भरे बसंत को भूल सकता है। तो यहां आप देखिए इन लाइन में पोएट ने उस बच्चे को एक ऐसे चिड़िया से तुलना किया है जो कि केज में है यानी पिंजड़े में है। यहां एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जिसे हम मेटाफर कहते हैं। यहां डायरेक्ट बच्चे को एक ऐसा वर्ड कह दिया गया है जो कि केज में है, जो कि कैद है। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटाफर। आप मेटाफर के बारे में जानते हैं, यहां हम किसी व्यक्ति को किसी अन्य चीजों या वस्तुओं से तुलना करते हैं और वहां हम एज या लाइक जैसे वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए इन सारे लाइंस में बच्चा खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ चिड़िया के जैसे बताता है, जैसे एक चिड़िया को पिंजरे में कैद कर देने पर वह उड़ नहीं सकता है, वह खुश नहीं रह सकता है। उसी तरह ये बच्चा अनुभव करता है कि उसके बचपन को कैद कर लिया गया स्कूल में भेजकर, जो वह बाहर देखना चाहता है, बाहर की चीजों को, बाहर की सुंदरताओं के, प्रकृति के सुंदरताओं का दर्शन करना चाहता है, वह स्कूल में जाकर उसे नहीं देख पाता है। स्कूल में जाने की वजह से वह नहीं देख पाता है, जिससे वह काफी चिंतित है, जिससे उसकी आनंद खो गई है। उसे शिक्षक की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, उसके लिए शिक्षक की बात जैसे उस बारिश के जैसी है जिसका कोई जरूरत ना हो। तो शिक्षक की बातों को वह उस बारिश से तुलना करता है जिससे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। पैराग्राफ को देखते हैं और उसके अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं। ओ फादर एंड मदर, बर्ड्स आर नीड एंड ब्लॉसम्स blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day, by sorrow and tears dismay, how shall the summer arrive in joy, or the summer fruits appear, or how shall we gather that grief destroy, or bless the mellowing year when the blast of winter appear? तो अंतिम के दो पैराग्राफ में स्पीकर कहता है, अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अगर कली को शुरुआत में ही खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा तो वैसे वो कैसे खिलकर बड़ा होगा, एक बड़ा फूल बनेगा। अगर आप कोमल पौधों को तोड़ दोगे तो वसंत का मौसम में मिलने वाली खुशियां कैसे आएंगी, और जो भी खुशियां वसंत के मौसम में इन फूलों और पौधों के वजह से आती है वो दुख में बदल जाएगी और वो गायब हो जाएगी। फिर वह प्रश्न करता है कि तो फिर कैसे गर्मी के दिनों में खुशियां आएगी, तो कैसे गर्मी के दिनों में
फल लगेंगे पौधों में, अगर आप पहले ही उसके फूलों को तोड़ दोगे, फूल को खिलने के पहले ही तोड़ दोगे, और कैसे आप उस दुख को इकट्ठा करोगे जो कि समाप्त हो गया है, आप कैसे उस खुशहाल वर्ष को याद करोगे अगर इन सब वजहों के वजह से, इन सब कारणों से शरद ऋतु आएगा ही नहीं। जब शरद ऋतु की शुरुआत होगी ही नहीं तो आप उस वर्ष को कैसे याद करोगे। तो स्टूडेंट्स, इन इस पोएम में एक लड़का छोटा सा अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखता है। पोएट स्पीकर के द्वारा यह बताना चाहता है, एक बच्चे का बचपन एक कोमल सा फूल के जैसा होता है जिसकी अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। बच्चे के बचपन को कुछ सिखाने या पढ़ाई के कारण एक चिड़िया जो पिंजरे में बंद हो वैसा नहीं कर देना चाहिए, उसको हमेशा नियम और कानूनों से बांध नहीं देना चाहिए, उसे खेलने और उड़ने का भी मौका देना चाहिए। तो आप यहाँ एक छोटे बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। शायद वह सही भी हो सकता है कहीं कहीं जगह, और शायद वो गलत भी हो सकता है। एक छोटे बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने बारे में क्या सही है और गलत है वो ज्यादा नहीं जानता है, फिर भी वो अपनी भावना को हमारे सामने प्रकट करता है। तो स्टूडेंट, ये पोएम यहीं समाप्त हुआ। आप इस पोएम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्कूल के वेबसाइट पर या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपको उससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके आंसर्स जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप स्कूल के वेबसाइट पर जाकर उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उस प्रश्न के उत्तर भी बहुत जल्द दिए जाएंगे। आप सबसे पहले उन प्रश्नों को हल कीजिए, उन प्रश्नों का को बुक पढ़ के आंसर कीजिए। आपको मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाकर दो या तीन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक यू।